एशिया तो ले ही आए हैं पर रिमोटवा छूट गया है, यह कहना था कन्हैया का। एसी पर जो विवाद हुआ उसके बाद कन्हैया ने जिस प्रकार से जवाब दी है वो यही दी है। वहीं बिहार की राजनीति घटनाक्रम में क्या हो रहा है, और लगातार जो बिहार में कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस में गए हैं उसके बाद से क्या गहमा गहमी चल रही है, हम वो तमाम बातें सुनाएंगे कि आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार और कांग्रेस पे लगातार महागठबंधन के नेता। उसके बाद फिर लोक जनशक्ति पार्टी में क्या कुछ हुई, लोक जनशक्ति पार्टी के आज संसदीय दल के नेता का चुनाव हुआ, संसदीय दल के नेता बिहार के संसदीय दल के नेता हुलास पांडे हैं। उसके बाद इसके जो टीम बनी, सदस्य बनी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का भी नाम आया जो चिराग गुट के अध्यक्ष हैं, वो फिर संजय पासवान का नाम आया, फिर जो प्रवक्ता हैं जो और भी संगठन मंत्री हैं संजय सिंह हो या फिर रेणु देवी हो या फिर डॉक्टर रंजीत का नाम है या कैफी साहब का नाम हो, तो ऐसे दर्जन भर नाम उसमें थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने बिहार संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सदस्यों की अपनी दर्जन भर की फौजें जुड़ा दी है। अब मैं बात करूंगा उस राजनीति की जिस राजनीति की चर्चाएं चार दिन से खूब हो रहा है। कन्हैया कुमार ने अलग अलग चैनलों में बात करते हुए जिस प्रकार से बीजेपी के ऊपर हमला किए हैं और जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं को घेरे हैं वो, और घेरते घेरते तमाम बातें जब टुकड़े टुकड़े गैंग पर पहुंची तो उनका कहना था कि हाँ हम टुकड़े टुकड़े गैंग करेंगे, बीजेपी को करेंगे, कांग्रेस में तो हम आए ही हैं। इन तमाम बातों को लेकर जब बातें हुई कि कांग्रेस कमजोर हुई है तो कन्हैया का कहना था कितना भी कमजोर हो गई है तो वह कांग्रेस अभी भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। एक बातें और थी कि कांग्रेस वास्तव में कमजोर हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर फिर भी कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और 54-55 सीटों के साथ वह विपक्ष में बनी हुई है। मगर कांग्रेस के पास जो वोटिंग और परसेंटेज है वो 20% से ऊपर है, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी और पार्टियों की अगर देखेंगे तो 5 और 6% भी तीसरी जो इस देश में जो पार्टी है वहां पर वो छूते हुए आंकड़ा नजर नहीं आती है। बीजेपी की एक अलग बात है कि 35-40% उसकी वोटिंग और परसेंटेज है, पहली बार तो पिछली 2014 लोकसभा में 33% थी, उसके बाद फिर आगे बढ़ी। मगर कन्हैया पर अभी बात करूंगा, कन्हैया का लगातार जो बयान आ रहा है एयर कंडीशन को ले जाने को लेकर उन्होंने बातें की थी, उसके बाद इस बात को लगभग कन्हैया भी समझ गए हैं कि इस बात को पूरी टीआरपी मिल रही है और इस बात को लेकर खूब चर्चाएं हुई है, नेशनल स्तर पर भी इसकी चर्चाएं हुई है, जो टॉप आधा दर्जन चैनल है उन लोगों ने भी खुलेआम इन बातों को किया है। अब बातें उठ रही है कि कन्हैया कुमार ने 2015 के प्रेसिडेंशियल डिबेट में जिस प्रकार से कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी थी, साफ या भाषण में कहते हुए नजर आए थे कि इस देश को ठगने के लिए एक ही या बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी था, अब यानी कि बीजेपी दूसरा उल्लू उसको कह रहे थे। उसके बाद से ही कन्हैया की वह जो कटिंग है वह खूब चल रही है सोशल साइटों पर, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर तमाम सोशल साइट हो, तमाम जगहों पर ट्विटर इंस्टाग्राम पर ये बातें चल रही है। कन्हैया कुमार का कहना था कि वही कटिंग ज्यादा चल रहा है, जबकि हमने उस पूरे भाषण में जिस प्रकार से भाषण के शुरुआत में जो हमने अपनी ही पार्टी के नेता सीपीआई के पार्टी के नेता का सबसे पहला आलोचना किए थे, मगर वो बातें नहीं दिखाई जा रही है। अब बातें उठ रही है कि वो कांग्रेस के खिलाफ बोला करते थे मगर कांग्रेस में जाने के बाद शांति और नरमी और जिस प्रकार से समर्पण है, कई लोग महत्वाकांक्षा की बातें कर रहे हैं, कई लोग बिहार आने पर तेजस्वी और चिराग से टक्कर होने की बातें कह रहे हैं, वहीं दो जगह विधानसभा होना है तो कन्हैया कांग्रेस का मन थोड़ा सा मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमारी पार्टी में एक ओजस्वी वक्ता और एक धारदार बात रखने वाला एक नेता आया है। वहीं एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी और चिराग पासवान युवा चेहरा के तौर पर हैं, तो कन्हैया का कहना था कि वहां के लोग तीनों को नेता मानेंगे, तेजस्वी, चिराग और कन्हैया का, ये कन्हैया कुमार का कहना था। अब देखते यह है कि शिवानंद तिवारी का जिस प्रकार से कांग्रेस को लेकर जो बयान आया है, शिवानंद तिवारी उस दौर के नेता हैं जब इमरजेंसी के दौर से कई नेता उसके विरुद्ध में उपज रहे थे, तो उस वक्त के नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और बिहार की राजनीति में भी छिटपुट भूमिका निभाते रहे हैं। नीतीश लालू और रामविलास पासवान के दौर के नेता हैं यह कह सकते हैं, केसी त्यागी से लेकर और भी कई नेता हैं समाजवादी के धड़े से जहां से वहां से निकले हुए नेता हैं, तो शिवानंद तिवारी ऐसे ही कांग्रेस पर अपनी
प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं। महागठबंधन में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त भी कई बयान शिवानंद तिवारी का ऐसा आया था, कांग्रेस के खिलाफ आया था। कांग्रेस पर ज्यादा कुछ हुआ कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, जब कैमरा ऑफ होगा तो वो बहुत कुछ कांग्रेस को सुना जाते हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि उस वक्त की है, इमरजेंसी के वक्त की। जो भी उस दौर के नेता ये बातें देखे हैं और झेले हैं लोकतंत्र के ऊपर, जो भी बातें आज कन्हैया चाहे कितना भी कसीदे गढ़ लें कांग्रेस को लेकर और बीजेपी पर कितना भी हमलावर हो जाए, मगर जो उस दौर के नेते हैं वो नेता लोग हैं, वो जो बैठते हैं वो सारी बातें बताते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से इमरजेंसी के दौर में यह देश गुजरा था। अब बातें कर रहा हूं कन्हैया कुमार पर ही। वह लगातार बीजेपी पर जिस प्रकार से हमला होते थे अभी उसमें नरमी है, मगर जब लगातार यह सवाल किया गया कि कैसा महसूस कर रहे हैं तो कन्हैया का कहना था कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम कांग्रेस में हैं या इस पार्टी में हैं या उस पार्टी में हैं। मगर कन्हैया का यह कहना था कि जैसे हम पहले थे वैसे ही अभी भी है, क्योंकि कांग्रेस को जिस प्रकार से उन्होंने कसीदे गढ़े हैं, साफ कह सकते हैं कि जो 2015 में जिस प्रकार से भाषण दे रहे थे उसके बाद इस प्रकार से कसीदे गढ़ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो चुके हैं। मगर जो बिहार के सीपीआई कार्यालय है वहां पर जब ये बातें पूछी गई तो वहां पर कन्हैया को अभी कहा गया कि जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखने में जो प्रसिद्धि हासिल की है वह देश और दुनिया में, वह उनकी काबिलियत तारीफ है, मगर अभी उनमें काफी कमी है। निंदा प्रस्ताव को लेकर भी सीपीआई ऑफिस के लोग बताते हुए नजर आए कि निंदा प्रस्ताव आखिर यह मीटिंग से बाहर कैसे चली गई, ये बातें मुख्य थी। कन्हैया कुमार से अंतिम क्षण तक सीपीआई के नेता बात करते हुए नजर आए, या फिर कई लोगों ने कन्हैया को जाने देना ही मुनासिब समझा। उसके बाद फिर और बातें आई कि कन्हैया कुमार अभी ओजस्वी वक्ता के रूप में जरूर हैं मगर एक संगठक कर्ता नहीं है, ये सीपीआई के पुराने नेताओं का कहना था। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, वो तमाम बातें सुनाएंगे और वो तमाम बातें हम वहां पर सीपीआई के कार्यालय में भी पहुंच कर ही सुना पूछेंगे और भी जानकारियां हम इकट्ठा करेंगे। और वो जहां से एसी ले जाने की बात हुई है, कन्हैया का कहना है कि हमारा रिमोट तो वहीं है। और भी बातें हैं, तमाम साजो सामान लेकर चले गए। एक आरोप और भी कन्हैया के ऊपर है कि बेगूसराय में लाखों का खर्च हुआ, वो सीपीआई पार्टी के द्वारा भी किया गया और ये 50-60 हज़ार एयर कंडीशन के लिए ये तमाम बातें हुई, तो आप समझ सकते हैं। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स देखने के लिए सुनने के लिए हम आते रहेंगे और दिखलाते रहेंगे झकास भारत पर। और भी कोई खबरें होगी मैं लाने का प्रयास करूंगा, मगर यह जो बातें थी कन्हैया से जुड़ी हुई थी आज खूब चल रहा था। आज ये समझ सकते हैं कि न्यूज में ट्रेंडिंग भी कर रहा है, कन्हैया जब बात रखते हैं तो ये लाजमी सा बात है कि उनकी बातें काफी चैनल वाले चलाते हैं। हमने भी कन्हैया की बातों को लेकर एक एनालिसिस किया है, उनकी बातों को बताने का प्रयास किया है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, झकास भारत देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।